हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है। तो सबसे पहले विजिटिंग कार्ड की जो विड्थ है वो 88 मिलीमीटर और हाइट 55 mm ले लेते हैं। तो क्योंकि ये बोथ साइड विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड बन रहा है, तो हम लोग इस आर्ट बोर्ड को कॉपी कर लेंगे। देखिए, ये 88x55 mm का एक आर्ट बोर्ड है, ठीक है। अब करना क्या है कि इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पर ये न्यू आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है, देखिए। क्लिक करते ही इसमें एक उसी साइज़ का 88x55 का एक नया आर्ट बोर्ड बन गया है। इसको हम पुराने वाले आर्ट बोर्ड के नीचे रख लेंगे। अब हम डिज़ाइन को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक कर्व जैसी डिज़ाइन बनाएंगे। पेन टूल लेकर के एक कर्व बनाएंगे इस तरीके से, और उसको हम एक बहुत बढ़िया सा कर्वेचर देंगे। कर्वेचर से होगा कि उसमें एक बहुत बढ़िया वेव फॉर्म में एक कर्व बन जाएगा। और कलर अगर वाइट है तो उसको हम कुछ कलर डाल देंगे उसमें, ताकि वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। वाइट पे वाइट दिखाई नहीं पड़ता है कई बार, ठीक है। और उसको बनाने के बाद में क्लोज कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको करना यह है कि अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन नहीं है तो इनको ऑन कर लेना है, और इस तरीके से बॉटम से अलाइन कर लेंगे इनको, हर तरफ से इसको अलाइन कर लेंगे, ताकि एक पिक्सल परफेक्ट शेप बन जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, अभी हमने क्या किया है कि एक इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर। अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, कॉपी करने के बाद में इसको जब हम वायर फ्रेम में देख रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक और डिज़ाइन वैसा ही बन गया है। इतना शेप हमने इसमें से अलग कर लिया है, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया, और जो ऊपर का जो डिज़ाइन हमने एक अलग से उसमें कट करके निकाला है, उसमें एक गोल्डन ग्रेडियंट हमको डालना है। तो स्वेचर्स में जाकर के ग्रेडियंट में जाकर मेटल्स में जाना है हमको। अब इसमें कई सारे मेटैलिक ग्रेडियंट्स पड़े हुए हैं, गोल्ड कलर के भी कई सारे हैं इसमें। देखिए, इस तरीके से कई सारे गोल्डन ग्रेडियंट्स पड़े हुए हैं। तो इसमें से आपको जो भी सही लगे उसमें से एक आपको चूज़ कर लेना है। अब देखिए कितना बढ़िया एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट वेव बन गया है। फिर इसके ऊपर एक और कर्व बनाएंगे इस तरीके से। इसको पूरे में हम नहीं बनाएंगे, थोड़ी दूर ले जा करके एक इस तरीके का एक डिज़ाइन देंगे कर्व की, और इस पाथ को भी बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ऑटोमेटिक वही कलर जो गोल्डन ग्रेडियंट का था वो इसमें आ जाएगा। और एक जो कर्वेचर है हम इसमें ऊपर की तरफ भी देंगे। ध्यान ही देना है कि जो डिस्टेंस है पुराने वाले कर्व से, वो सभी जगह उसमें एक समान सी रहे। इस तरीके से एक कर्व बना लेंगे। ये देखिए, ये अभी हम इसको एक वायर फ्रेम में देख रहे हैं, ताकि हमको डिटेलिंग में दिखाई पड़ सके। थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो भी हमारे इसमें नोड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको नोड्स बोलते हैं, उनको ठीक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसमें एक ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन बन गया है। अब देखिए, ये एक डिज़ाइन तैयार हो गया है हमारा बिजनेस कार्ड का। तो अब हमें करना क्या है, इसके लिए एक लोगो बनाना होगा। तो एक लोगो बना लेंगे इसके लिए। एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें से एक
पतला सा ऐसा रेक्टेंगल बना के इसको 45 डिग्री पे घुमा देंगे और इसमें सेंटर से इसको अलाइन करके रख दिया है। और जो इसके अंदर का हिस्सा है शिफ्ट एम से टूल से उसको हटा देंगे। अब देखिए ये एक बढ़िया सा लोगो बन गया है। और इसके जो दो कॉर्नर हैं टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, इनको हमने हल्का सा राउंड भी कर दिया है। अब इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है या जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, कंपनी नेम। मैं एक डमी बना रहा हूँ विजिटिंग कार्ड की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंपनी नेम। आपको जो भी कंपनी का नेम है यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसमें कर दिया है। और कंपनी नेम की अगर कोई सेकंड लाइन है, कुछ कंपनी का स्लोगन है या कुछ सेकंड लाइन है कुछ उसके बारे में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी मैं एक डमी बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे लोरम इप्सम कैप्शन। इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका फॉन्ट साइज कर लेंगे। कंपनी का नेम बड़ा होना चाहिए, उसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है, बोल्ड कर लिया है। और लोगो और जो दोनों टेक्स्ट हैं उनको आपस में अलाइन कर लिया है, ठीक है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इन तीनों को हमने ग्रुप कर लिया है अब, ठीक है। तो ये हमारा जो बिजनेस कार्ड है या विजिटिंग कार्ड है उसका एक ये फ्रंट साइड कितनी इजीली बन गया है। अब हमें इसका बैक साइड बनाना है, तो ये डिज़ाइन का हम ग्रुप करके कॉपी कर लेंगे और दूसरे वाले आर्ट बोर्ड पे आ जाएंगे अब हम, और इसको घुमा देंगे। अब ये इसका डिज़ाइन जो है बैक साइड का बन गया है, ठीक। ये देखिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि फ्रंट का डिज़ाइन कुछ और है बैक का कुछ और है, बनाना है वो उसी से मैचिंग का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब पलटे उसमें तो डिज़ाइन एकदम ही अलग है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और कंपनी का लोगो और जो नाम है उसे कॉपी करके हम दूसरे आर्ट बोर्ड पे जो कि विजिटिंग कार्ड का बैक साइड है उस पर ला के रख लिया है। अब करना क्या है कि कुछ आइकन्स लगाने हैं हमको यहाँ पर, जैसे कि हमको जो कंपनी है उसका एड्रेस दिखाना होगा, ईमेल दिखाना होगा, वेबसाइट दिखानी होगी। तो उनके लिए जो आइकन्स बनाने हैं वो आप नेट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं। जैसे ईमेल के लिए एक आइकन बनाना है तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है और उसमें एक ये लाइन बना दी है, स्ट्रोक इसको कह सकते हैं, इसको बना दिया है मैंने। अब करना क्या है, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक हम बढ़ा के 1.5 कर देंगे और राउंड कैप में कर देंगे इसको, और इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब रेक्टेंगल में से इस शेप को कट कर लेंगे। देखिएगा, ये जो हमने बनाया है रेक्टेंगल उसमें से इस शेप को जो लाइन वाली बनाई थी हमने, उसको एक्सपेंड करने के बाद में शिफ्ट एम का प्रयोग करते हुए इसको कट कर लेंगे। अब देखिए कितना अच्छा सा है कि एनवेलप का लुक बहुत ही इजीली आ गया है। आपको नेट से निकालने की ज़रूरत नहीं है, कितना इजीली इसको आप बना सकते हैं। जो नीचे के जो कॉर्नर्स हैं उनको हल्का सा राउंड कर देंगे। ये हमारा एक एनवेलप का शेप बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये ईमेल के लिए बनाया है। दूसरा हम बनाएंगे अब कि ऑफिस की लोकेशन क्या है, मतलब कि एड्रेस क्या है। तो उसके लिए जनरली होम का जो सिंबल होता है, ठीक है, वो बनाया जाता है। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद में एक किस तरीके का शेप बना के एक ये हट जैसा शेप दिया है इसके ऊपर, और इनको आपस में अलाइन कर लिया है। अब करना कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से आप बस जो सेटिंग में कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है।
अब जो एक्स्ट्रा है इनको कट कर लिया इसमें से। ये देखिए कितने आसानी से एक जो हट शेप में होम है बन गया है, और एक रेक्टेंगल नीचे बना के सेंटर से अलाइन करके पूरी शेप में से इसे कट कर लेंगे शिफ्ट एम का यूज़ करते हुए। ये देखिए कितना इजीली बन गया है। ये हल्का सा राउंड कर देंगे इनको भी, और एक हमें चिमनी जैसी शेप देनी है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और ऊपर से एक और छोटा सा इस तरीके का बना दिया है हमने। इनको आपस में अलाइन कर दिया है और ये देखिए ये हमारा बन गया है। तो आप इस तरीके की आइकन्स बनाने के लिए नेट पर ना जाएं, आप खुद से बना सकते हैं इनको, और तीनों को ग्रुप करके इनको वेल्ड कर दिया है। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है इस तरीके से। तो हमारे दो आइकन्स बन गए हैं, हमको एक आइकन बनाना है वेब। हमको वेबसाइट दिखाने के लिए एक वेबसाइट के लिए कुछ ग्लोब जैसी शेप का आइकन बनाना है। तो हमने एक सर्किल ले लिया है, ठीक है, और उसका स्ट्रोक हमने 2 mm का लिया है। आप थोड़ा इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अपने में, है ना। और उसके अंदर इस तरीके का एक सर्किल, उसको थोड़ा दबा दिया है, इलिप्स बना दिया है उसका, और सेंटर में एक लाइन डाल दी है वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो देखिए ये भी एक आसानी से बन गया है। अब इन्हें भी हम एक्सपेंड करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए बन गया है और इसको आपस में वेल्ड कर दिया है हमने। तो हमने बना लिया है ईमेल का आइकन, होम का आइकन और वेबसाइट का आइकन। अब इनको हम जो हमारा विजिटिंग कार्ड है उसका बैक साइड में प्लेस करना है। तो उसके लिए भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे छोटा सा ब्लैक कलर का, और हमको डिज़ाइन की जो थीम है उसको नहीं भूलना है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है इसको। ये देखिए बना लिया है, और ये कलर जो गोल्डन वाला है वो इसमें हमने फिल कर दिया है, और गोल्डन में जो आइकन हमने बनाए हैं ईमेल वगैरह के उसको हमने वाइट से डाल दिया है। ये देखिए, और इस तरीके से कर दिया है, और इसके जो ये वाले जो कॉर्नर्स हैं उनको हल्का सा राउंड भी कर दिया है। अब इनको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे आइकन्स को, और डिज़ाइन बन गया है। अब हमें बस जो होम का आइकन है और जो वेबसाइट का आइकन है उनको इन्हें प्लेस करना है। चलिए कर लेते हैं फिर। तो ईमेल का हटा करके आइकन दोनों में से सेकंड वाले में रख देंगे होम का आइकन, मतलब हमको यहाँ पे एड्रेस दिखाना होगा विजिटिंग कार्ड का, वो इसके अंदर आ जाएगा। और जो वेबसाइट का आइकन है वो सबसे नीचे वाले में आ जाएगा, और इनको आपस में अलाइन भी कर देंगे। जैसे सेकंड वाला जो है उसको उस रेक्टेंगल में अलाइन कर देंगे ताकि वो हर तरफ से उसके सेंटर में ही आए, ठीक है। तो इन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी डिज़ाइन एकदम बैलेंस बनेगी। ये देखिए इन्हें ग्रुप कर लेंगे आपस में, और इस तरीके से आपका डिज़ाइन जो है, अगर यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे ईमेल लिखना है, अभी एड्रेस लिखना है और वेबसाइट लिखना है, तो जो आपका कंपनी नेम है उसमें कहीं वो आपस में वो चीज़ें टकराएंगी, तो इसको आप जो कंपनी का नेम है उसको ब्लैक पे भी डाल सकते हैं। जो नीचे आपने जो एक ब्लैक कर्व डिज़ाइन दिया हुआ है उसके ऊपर आप इन्वर्ट में करके उसको वाइट में करके जो कंपनी नेम और लोगो है इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ऊपर की तरफ ईमेल, वेबसाइट, होम एड्रेस वगैरह डालने के लिए जो कंपनी का एड्रेस है प्रॉपर एक अच्छी जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईमेल डाल लेंगे, और जो एड्रेस हैं जो आप अपनी कंपनी का बना रहे हैं या कोई क्लाइंट के लिए बना रहे हैं बिजनेस कार्ड, तो उसका जो भी कंपनी का नेम है उसको डाल देंगे, और ईमेल डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। अभी मैं एक ये डमी
बना रहा हूँ विजिटिंग कार्ड की। आपका जो मेन सबसे टेक्स्ट मोटा जो कंपनी का लोगो है उससे कुछ छोटा ही रखिए, इसको 9 points या 8 points में भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। या अगर बहुत बड़ा बड़ा लिख देंगे उसके ऊपर आप तो ये थोड़ा उतना अच्छा लगेगा नहीं देखने में। तो जो एक प्रोफेशनल लुक लगने के लिए इसका आप 8 या 9 point पे ही रखें इसको, जो आप डिटेल्स डाल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा कंपनी का। और ये देखिए इनको आपस में राइट से अलाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो गया है। और सबसे नीचे वाले पर हम डाल देंगे कंपनी की वेबसाइट। तो इसी को हमने कॉपी कर लिया है टेक्स्ट को, और अब हम यहाँ पर डाल देंगे वेबसाइट। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी आसान लगा होगा, जो मैंने बताया है आपको ट्यूटोरियल के ज़रिए काफ़ी आसान लगा होगा। और आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे जो डिज़ाइन रिलेटेड ट्यूटोरियल से आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।